हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसक्यूब टीवी ग्लोबल पर। मैं हूं आपके साथ आपके अपनी होस्ट रजनी, और एक बार फिर से मैं हाजिर हूं हमारे एक बहुत ही खास मेहमान के साथ, डॉक्टर आशीष चौहान, जो कि हमारे शो पर बहुत बार आ चुके हैं और एक बार फिर से मौजूद हैं हमारे साथ बहुत ही खास विषय पर चर्चा करने के लिए। डॉक्टर आशीष चौहान जी एक डायबिटीज स्पेशलिस्ट हैं और आज के हमारे शो में हमारे साथ डायबिटीज के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। हम डॉक्टर आशीष से पूछेंगे कि कैसे और किन सब चीजों की मदद से हम डायबिटीज से निजात पा सकते हैं और डायबिटीज के क्या कुछ उपाय हैं। लेकिन उससे पहले, जैसे कि हम हर बार हमारे मेहमान का स्वागत करते हैं, तो चलिए डॉक्टर आशीष चौहान जी का एक बार फिर से एसक्यूब टीवी ग्लोबल पर स्वागत कर लेते हैं। डॉक्टर आशीष, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एसक्यूब टीवी ग्लोबल पर। थैंक्स अ लॉट रजनी एंड द होल टीम। आज मुझे बहुत खुशी हुई कि इस प्रोग्राम को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि आपने मेरे से पूछा क्या हम कर सकते हैं जिससे कि हम मधुमेह या डायबिटीज को बचा सकें। तो सबसे बड़ा काम जो हम लोग डायबिटीज को रोक सकते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस का है, इसके बारे में ज्ञान को फैलाने का है। इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ इस प्रोग्राम को करके, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल टीम फॉर दिस काइंड ऑफ वर्क। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशीष। तो डॉक्टर आशीष, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि आज हम डायबिटीज के ऊपर चर्चा करेंगे, तो बिना कोई समय गवाए मैं आपसे जो पहला सवाल है वो पूछना चाहती हूँ। और मेरा आज का पहला सवाल ये है कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जो डायबिटीज है वो क्यों होता है, किस तरह से होता है और उसके सिम्टम्स क्या रहते हैं। डायबिटीज क्यों होता है? तो ये एक मधुमेह है, जैसे इसका नाम होता है। हम लोग शुगर को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, ऐसे होता है। मल्टीफैक्टोरियल है, कोई एक चीज को पिन पॉइंट करके नहीं कहा जा सकता। हमारे और आपके शरीर में इंसुलिन की काम ये होता है कि वो शुगर को कंट्रोल में रखे। आप और मैं अगर 1 किलो स्वीट्स खाएंगे तो हमारा शुगर बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा, अगर हमारी बॉडी में इंसुलिन का जो मात्रा प्रोड्यूस होती है वो पर्याप्त हो, जैसे कि नॉन डायबिटिक पेशेंट को होती है। लेकिन और जब हम लोग कभी भूखे रहते हैं या फास्टिंग में रहते हैं, उस समय भी अगर हम लोग कुछ भी नहीं खाएंगे तो भी हमारा शुगर बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, क्योंकि तब इंसुलिन कम रिलीज होगी। तो इंसुलिन के कमी के कारण से डायबिटीज होती है, और ये कुछ पेशेंट्स में इसकी बिल्कुल ही कमी होती, बॉडी में बिल्कुल इंसुलिन होता ही नहीं है, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज में। और टाइप 2 डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन होता तो है लेकिन काम ठीक से नहीं कर रहा होता। एंड ऐसे ही कुछ प्रोसेस होती है जेस्टेशनल डायबिटीज में। तो ये 3 तरह की मेन डायबिटीज, टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस। तो इस इंसुलिन के की कमी के कारण या एब्सेंस होने के कारण ही शुगर बढ़ जाती है बॉडी शरीर में, और उस शुगर को बढ़ने के कारण आपको कई तरीके के लक्षण होते हैं। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, लक्षण को जानना बहुत जरूरी है। उसके जो सिम्टम्स हैं वो प्राइमरली 3 होते हैं, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया। पॉलीयूरिया का मतलब आपको पेशाब बहुत ज्यादा आता है, बार बार आता है। पॉलीडिप्सिया का मतलब प्यास बहुत लगती, बहुत ज्यादा गला सूखता है। पॉलीफेजिया का मतलब भूख बहुत लगती है। तो अगर पेशाब ज्यादा आ रहा हो, भूख ज्यादा लग रही हो और आपको गला सूख रहा हो, तो एक शुगर की पॉसिबिलिटी। और एक बहुत अमूमन सी चीज जो ऑलमोस्ट हर किसी को पता है, अगर जख्म जो है कहीं पे भी आपको चोट लगी और वो हील नहीं हो रहा है, वो सूख नहीं रहा है, तो फिर डायबिटीज हो सकती है। ये मेन सिम्टम्स हैं। लेकिन इन सब सिम्टम्स को बताने के बाद भी मैं हर किसी को यही बताना चाहूंगा कि आप अभी रजनी या डॉक्टर आशीष, हम दोनों को ही डायबिटीज हो सकती है, और इसका हमको कोई भी सिम्टम्स ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जब भी कोई भी डॉक्टर आपको शुगर का टेस्ट करने को बोले, तो बिना हिचक के, बिना उसको काउंटर किए, आपको शुगर टेस्ट कराना चाहिए। और कोई नहीं भी कहे, आपको डाउट हो, तो आपको जरूर टेस्ट कराना चाहिए। डॉक्टर आशीष, साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि नजर का कमजोर होना, ये डायबिटीज से किस तरह जुड़ा है और आंखों जो जो नजर है उस पर कितना प्रभाव पड़ता है डायबिटीज की वजह से, ये हमारे दर्शकों को आप बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि मैं चाहूंगा कि मेरे जितने भी दर्शक हैं इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, पहली बात तो एक वो पेन और पेंसिल को लेकर के हर एक चीज लिखे, जिससे कि इस मैसेज को दूसरों के पास तक पहुंचा सके। और उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम चाहेंगे आपसे हम हर समय कनेक्ट होते रहे। आपको हर जगह कहीं पे भी हो, दुनिया कोने कोने में हम आपको स्वस्थ रख सके।
नजर का इफेक्ट कितना ज्यादा होता है डायबिटीज के कारण, तो पूरी दुनिया में अंधेपन का जो नंबर वन कॉज है, ब्लाइंडनेस का नंबर वन कारण है, वो है डायबिटीज। तो इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है और बहुत से रीजन होते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी की बीमारी के नाम से आंखों का पर्दा खराब हो जाता है, डायबिटिक पेशेंट्स को आंखों का इन्फेक्शन ज्यादा होता है, फिर उनको एक कैटरेक्ट भी होता है। तो ये सारे रीजंस मिल करके फिर उनका चश्मा बहुत नंबर बार बार बदलता रहता है, उनको ग्लोकोमा भी हो जाता है। तो काफी चीजें हैं जो कि आंखों में असर करती हैं डायबिटिक पेशेंट्स को। इसीलिए एक मधुमेह के मरीज को, शुगर के मरीज को नजर के डॉक्टर के पास रेगुलरली जाना चाहिए, तब भी जाना चाहिए जब उसे कोई परेशानी नहीं हो। 6 महीने में एक बार आंखों के डॉक्टर को जरूर हमको दिखाना चाहिए। तो इसी के साथ डॉक्टर आशीष, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, और इसी के साथ मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कई बार ऐसा होता है कि बहुत से लोगों को डायबिटीज की शिकायत हो जाती है, लेकिन डायबिटीज जो है वो किसी भी इंसान के लिए खतरा कब बन जाता है, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। जब भी कोई भी चीज अपने, कहते हैं ना उसको कि लक्ष्मण रेखा से बाहर होती, तब वो खतरा बन जाती है। शुगर खाली पेट जो है वो 100 से 125 के बीच होनी चाहिए, यंग लोगों के लिए 100 से कम होनी चाहिए, और मिडिल एज एल्डरलीज के लिए 150 के आसपास होनी चाहिए। जब कभी भी वो 200 से ऊपर जाएगी तो वो बॉडी में डैमेज करेगी। शुगर जब भी बढ़ती है वो आंखों में, नसों में, हार्ट में और किडनी में और ब्रेन पे इफेक्ट करती है, एंड उसके काफी लाइफ डैमेजिंग या फेटल कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं। हार्ट अटैक का करने में जो शुगर का बहुत बड़ा हाथ है, पैरालिसिस करने में शुगर का बहुत बड़ा हाथ है। अगर कोई इंटेलेक्चुअल जानना चाहेगा तो मैं एक अच्छा सा एक्रोनिम बना करके भी दे दूंगा। तो डायबिटिक पेशेंट्स को शुगर बहुत ज्यादा डाउन भी हो जाती है अगर वो लोग ट्रीटमेंट ठीक से ना लें, या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। तो ये दोनों एक चीजें हैं। तो डायबिटिक्स पेशेंट्स को अपनी शुगर को बहुत स्ट्रिक्टली अच्छे से कंट्रोल में रखना है, इसीलिए उनके पास शुगर की मशीन होना बहुत जरूरी है। डायबिटिक पेशेंट को हम लोग डॉक्टर से दूर रखने का काम सिर्फ एक डॉक्टर की हेल्प के साथ कर सकते हैं। तो आपके घर में शुगर की मशीन हो, बीपी की मशीन हो, ब्लड प्रेशर की मशीन हो, और हम शुगर और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखें, तो हम उनको कोई भी जानलेवा कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। इसी के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है, जानकारी होनी बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा कि मेरे दर्शक इस एक्रोनिम को लिख लें कि डायबिटीज से क्या क्या होता है। DIABETES होता है, डी का मतलब होता है डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, मतलब शुगर का इतना बढ़ जाना कि उससे आदमी कोमा में चला जाता है। तो वो तभी बढ़ती है अगर हम उसको लगातार नापे नहीं, अगर हमारे घर में शुगर की मशीन ना हो। आई का मतलब इन्फेक्शन है, डायबिटिक पेशेंट्स को मामूली जो इन्फेक्शन है वो भी बहुत खतरनाक बना देता है। कोविड के पेशेंट्स ने सबसे ज्यादा अगर किसी को मारा है तो डायबिटिक पेशेंट्स को मारा है। ए इज एथेरोस्क्लेरोसिस, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। एथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है कि आपके जो नस है, जो आर्टरीज है, उसके अंदर कचड़ा जमा हो जाना, और एथेरोस्क्लेरोसिस के कारण ही हार्ट अटैक या पैरालिसिस होता है, तो वो होता है। बी से मतलब बावल इन्वॉल्वमेंट, मतलब आंतों का, पेट की आंतों का इन्वॉल्व होना डायबिटिक पेशेंट्स को, इसीलिए जो कॉन्स्टिपेशन वो बहुत ज्यादा होता है। 90% पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होता है, मतलब उनको मोशंस बिल्कुल साफ नहीं होते हैं। 10% को डायबिटिक डायरिया होता है। अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं और हल्की सी अगर खांसी आ गई तो डायबिटिक पेशेंट को खांसी से ही उनका मोशन निकल जाता है, बल्कि उनको दिन में 3-4 नहीं तो 5-6 बार मोशंस के लिए जाना पड़ता है। तो ये बावल एबनॉर्मेलिटीज है। ई से जो होता है वो होता है ESRD। ESRD का मतलब एंड स्टेज रीनल डिजीज। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है किडनी फेलियर का नंबर वन कॉज जो है वो है डायबिटीज, तो किडनी फेल हो जाती है। टी का मतलब होता है टो इन्वॉल्वमेंट, पैर का इन्वॉल्व होना। डायबिटिक फुट जो है वो नंबर वन कॉज है नॉन ट्रोमेटिक लेग एम्पुटेशन को। पैर काटने का सबसे बड़ा रीजन जो होता है, या तो एक होता है एक्सीडेंट के कारण काटना पड़े, कोई ट्रॉमा हो गया हो, या एक रीजन होता है वो होता है डायबिटीज। तो टो इन्वॉल्वमेंट, और इसलिए भी ज्यादा होता है क्योंकि पैरों में पता ही नहीं लगता कि कुछ चोट लग गई है। पैर के अंदर एक आधा सेंटीमीटर का या 1 सेंटीमीटर का घाव हो जाएगा, खुला वूंड होगा, उसमें मवाद पड़ जाता है,
उसके अंदर मस्से पड़ जाते हैं और पेशेंट को बिल्कुल पता ही नहीं लगता कि उनको कोई परेशानी है, तो वो होता है टो इन्वॉल्वमेंट। फाइनली ई एक जो है वो आई इन्वॉल्वमेंट है, मैंने आपको पहले बोल दिया नंबर वन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस है। एस बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, एस का मतलब सेक्सुअल प्रॉब्लम, एस का मतलब स्ट्रेसफुल लाइफ, एस का मतलब स्लीपलेसनेस। ये तीन चीजें पेशेंट को बहुत ज्यादा परेशान कर देती हैं और उससे उनका खुद का ही इमोशनल बैलेंस भी खराब हो जाता है। इसलिए डायबिटिक पेशेंट को एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच करके ट्रीट करना बहुत जरूरी है। उनको जानकारी के द्वारा करेक्ट ट्रीटमेंट अगर शुरू हो तो वो ऊपर वाले की तरह से लंबा जिंदगी जी सकते हैं। अगर नहीं उसको कंट्रोल किया गया तो मुझे कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हर 6 सेकंड में एक पेशेंट की डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन के कारण मौत कहीं ना कहीं हो रही है। 1 मिनट के अंदर 10 पेशेंट्स की डेथ हो जाती है, ये स्टैटिस्टिक्स हैं। इसीलिए हर किसी के पास इस वीडियो का पहुंचना जरूरी है और इस इंफॉर्मेशन को लिए पहुंचना बहुत जरूरी है। डॉक्टर आशीष, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ी जानकारी जो है वो दर्शकों तक पहुंचाई, जिसका पता होना हर किसी को बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब इसी के साथ डॉक्टर आशीष, मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि जो डायबिटीज है वो किन वजहों से होता है, क्या वजह रहती है जिसकी वजह से एक इंसान को डायबिटीज हो जाता है? जैसे कि अगर आपकी जीन्स में है, आपके पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को है, तो जेनेटिक डायबिटीज होना, ये कहते हैं कि जीन्स की वजह से डायबिटीज होता है, और साथ ही और क्या क्या कारण रहते हैं जिस वजह से, क्या खान पान भी इसमें रहता है जिसकी वजह से इंसान को डायबिटीज हो जाता है, इसके बारे में प्लीज आप हमें बताएं। सो आज जैसे कि मैंने आपके लक्षण डायबिटीज करके पूरा बताया, DIBETES, तो वो सब जानना बहुत जरूरी है। एंड इसको हैंडल करने के लिए क्या ये कारण क्या है और वो जानना बहुत जरूरी है। तो मैंने आपको बोला है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, क्या ये बीमारी वंशानुगत है? आंसर इज टू सम एक्सटेंट यस। माँ बाप को अगर है तो आपको मेरे को होने के चांसेस ज्यादा हैं, लेकिन बिल्कुल जरूरी नहीं है। अगर तीन जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है एक्सेसिव ईटिंग, लेजीनेस एंड स्ट्रेस। इन तीनों चीजों को हमको मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो अननेसेसरी मत खाइए, ओवर ईटिंग इज नॉट गुड। लोग, बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि सर पहले भी हमारे माँ बाप को आप देख लीजिए तो वो तो पूरे थाली भर के खाते थे, दो दो चार चार आठ आठ दस दस पराठे खा लेते थे, उनको कोई होता नहीं था। अभी तो मैं तो सिर्फ 2 पराठे खाता हूँ, मुझे कैसे हो गया? तो उसका आंसर बहुत आसान है। जब माँ बाप के जमाने में साहब ये स्काइप या यूट्यूब नहीं हुआ करता था, सेलफोन लैपटॉप्स नहीं हुआ करते थे, एसी नहीं होता था, लिफ्ट नहीं हुआ करती थी, हमको ऊबर नहीं थी, मतलब मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूँ इन सारे ऐप के, लेकिन जोमैटो स्विगी करके इतना आसानी से खाने की डिलीवरी घर पे नहीं होती थी, हम लोगों को शारीरिक श्रम काफी करना पड़ता था, तो वो बहुत बड़ी चीज है। हम लोग पास रिमोट कंट्रोल जितने नहीं हुआ करते थे जितने कि इस समय है, तो जो जीवन शैली है, जीवन पद्धति है, वो बदल गई है। उसी हिसाब से हमारे शरीर की जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, वो कम हो गई है। जहां माँ बाप 8-9 पराठे एक साथ खा लेते थे और फिट रहते थे, आपके और मेरे लिए 1 या 2 भी जरूरत से ज्यादा होते, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए कम खाइए और वो स्ट्रेस फ्री रहिए, ये बहुत जरूरी है। इसको हम जान लेंगे तो हम अपने आप को किसी भी लाइफस्टाइल बीमारी से या वो हम दूर रह सकते हैं, और वो बहुत ही जरूरी चीज है। नहीं तो हमको एक ICU और वो इमरजेंसी जो बीमारी आने के बाद हमको वही चीज सीखना पड़ेगा। इसीलिए खुश रहिए, कम खाइए एंड अपने को बॉडी को एक्टिव रखिए। जितना ज्यादा आप योग करेंगे, जितना ज्यादा आप फिजिकली एक्टिव बॉडी रखेंगे, उतना ज्यादा आप अस्पताल से दूर रहेंगे। तो आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, बहुत ही खास बात जो है वो कही यहाँ पर, जिसको हर किसी को फॉलो करना चाहिए, चाहे आप डायबिटीज के मरीज हो या आप ना हो, बल्कि आपको हर किसी को एक हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी तरह से एक जीवन जो है वो जीना चाहिए। तो डॉक्टर आशीष, साथ ही इसके बाद मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि जो एक हर किसी को व्यायाम यानी एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन एक डायबिटिक पेशेंट की क्या दिनचर्या होनी चाहिए, ये आप प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया और मैं इसको भी दोबारा एक एक्रोनिम के द्वारा ही बताना चाहूंगा हर किसी को। मैं चाहूंगा कि जितने भी युवा लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो इसको याद रखें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। डायबिटिक पेशेंट्स को 100 साल जिंदा रखना है आपको और मेरे को, अगर वो हमारे फैमिली मेंबर्स में है, उनको डाइट बहुत अच्छी याद करनी चाहिए, DIET,
खाने में कोई भी एक्स्ट्रा स्वीट्स या मीठा पदार्थ ना हो। अगर आप दूध चाय दूध वगैरह ले रहे हैं तो उसके अंदर से जो क्रीम है वो उसको हटा दें। तो किसी भी तरीके का मीठा जो है वो हम लोग अपने लाइफ में कम रखें तो बहुत अच्छा है। डाइट कंट्रोल बहुत जरूरी है, आपको और मेरे को उतना खाना है जितना हमारी बॉडी के लिए एक डाइटिशियन प्रिस्क्राइब करे, नहीं तो उसको भी। एक चीज और भी बात माननी, बहुत से लोग मोटे होते हैं, डायबिटीज जो बीमारी है वो अब अकेले डायबिटीज नहीं रह गई है, वो डायबिटीज प्लस ओबेसिटी हो गई है, तो इसी को हम लोग इसको डायबेसिटी भी मानते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए फास्टिंग और फीस्टिंग दोनों ही बहुत बुरी है। अगर आपको एक बार शुगर हो गई है तो आप ये जो व्रत रखते हैं वो पूरा स्ट्रिक्ट व्रत नहीं रख सकते हैं और आप जरूरत से ज्यादा भी नहीं खा सकते हैं। तो डाइट कंट्रोल बहुत जरूरी है, उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, डाइटिशियन से या न्यूट्रिशनिस्ट से। सो डी इज फॉर डाइट, आई इज फॉर इंसुलिन। ये एक ऐसी चीज है जिससे अनावश्यक लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि डायबिटिक पेशेंट को इंसुलिन की ही कमी होती है, तो जो बेस्ट ट्रीटमेंट होता है वो एक इंसुलिन होता है, और स्पेशली टाइप 1 पेशेंट को, जो कि छोटे बच्चों को आती है, 3, 4, 5, 10 साल के बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज आती है, उनके लिए कोई और ट्रीटमेंट नहीं होता, कोई भी टैबलेट काम नहीं करती, उनको सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन ही लेना होता है। और यही चीज टाइप 2 डायबिटीज को भी आती है कि अगर आपको मोटापे के कारण डायबिटीज आई है तो जब भी आपको डॉक्टर बोले कि आप इंसुलिन को शुरुआत कर देनी चाहिए, तो डॉक्टर को बदलने की बजाय आप अपनी आदतें बदल लें और इंसुलिन को तुरंत स्टार्ट कर लें, वो बहुत जरूरी है। सो डी इज फॉर डाइट, आई इज फॉर इंसुलिन, ई इज फॉर एक्सरसाइज। व्यायाम बहुत जरूरी है, कितनी करनी चाहिए। एक अमूमन जो पाश्चात्य सभ्यता है और उनकी गाइडलाइंस है, वो लोग बताते हैं 30 मिनट्स पर डे 5 डेज अ वीक। थोड़े से लेजी लोग होते हैं, मैं यही मानूंगा। एंड अगर आप और हम लोग 100 साल तक जिंदा रहना चाहते हैं तो हमको 100 मिनट एक्सरसाइज हर रोज करनी चाहिए। क्या ये 100 मिनट आपको ज्यादा लग रहे हैं? घबराइए मत, क्योंकि 20 मिनट सुबह, 20 मिनट दोपहर, 20 मिनट शाम और 40 मिनट डिनर के बाद ये वॉक करना आसान है और ये आपको करना चाहिए। देखिए, मैं बहुत पुरानी कहावतें रिपीट करूंगा, याद दिलाऊंगा, नो पेन नो गेन। अगर आप फिट रहना है तो यस, डेफिनेटली आपको उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। तो 100 मिनट्स एक्सरसाइज इफ यू वांट टू लिव फॉर 100 इयर्स। सो डी इज फॉर डाइट, आई इज इंसुलिन, ई इज एक्सरसाइज, फाइनली टी इज फॉर टैबलेट्स। दवाएं आपको रेगुलरली लेनी है और डॉक्टर की एडवाइस से लेनी है, जो आपके डॉक्टर ने बोला है। दवाएं और दुआएं, यही दो चीजें हैं जो आपको और हमको फिट रखेंगी और खुश रखेंगी। एंड डेफिनेटली इन सारी चीजों पे अमल रह करके आप खुश रह सकते हैं, आईसीयू और इमरजेंसी से दूर रह सकते हैं। आई होप विद दीज वर्ड्स हमारे दर्शकों को इसको आइडिया लग जाएगा कि हम आने वाले दिनों में, एंड स्पेशली अगर त्योहार बहुत आजकल आ रहे हैं, दिवाली आने वाला है, फिर क्रिसमस भी आने वाला है, तो हम लोग मीठा बोले, अपने आचरण में मिठास रखें, वो बहुत जरूरी है, लेकिन मीठा खाने से दूर रहें, वो बहुत हम लोग जाने और अपनी लाइफ में अमल करें, तो आप और हम लोग खुश रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है, और आप जिस तरीके से इतने आसान से शब्दों में दर्शकों को इतनी इम्पोर्टेंट बातें बता रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं जानती हूँ कि हमारे दर्शक जो हैं, जो इसे देख रहे हैं, वो जरूर आपकी बातों को नोट कर रहे होंगे और काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है सभी को, डायबिटिक पेशेंट्स को भी और नॉन डायबिटिक पेशेंट्स को भी, आपकी बातों से और इस एपिसोड से। सर डॉक्टर आशीष, एक और सवाल आपसे मेरा ये है कि आजकल मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसको, जिसके लिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको डायबिटीज है यानी शुगर है, तो आप चीनी की जगह इस वाली चीनी को का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें शुगर नहीं है, ये शुगर फ्री है, या इस तरह की बातें कही जाती हैं, और इसका जो बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट हम टीवी पर भी देखते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या एक डायबिटिक पेशेंट को इस तरह की चीजें लेनी चाहिए या फिर उसको चीनी बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो? The answer is yes as well as no. Answer जो इसका है वो हाँ है और साथ साथ ना है। Aspartame की बात कर रहे हैं आप कि हम लोग शुगर फ्री को यूज कर लें या कोई भी अजीब ये जो अवेलेबल होते हैं पाउच में, एक दो तीन आई थिंक इतना आप यूज कर सकते हैं दिन में, एक दो पाउचेस, थ्री पाउचेस अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो बहुत ठीक है,
आपको आदत पड़ चुकी मीठा खाने की, तो यस बेहतर है। बिल्कुल चीनी छोड़ना तो बेस्ट है अगर उसकी आप आदत डालेंगे तो, लेकिन नहीं डाल पा रहे हैं तो थोड़ा, नहीं तो पूरे का पूरा वो शुगर फ्री पाउडर बना करके मिठाई बना करके खाना, क्योंकि आजकल मैं बाहर देख रहा हूँ शुगर फ्री स्वीट्स बहुत अवेलेबल है। ये मैं बताना चाहूंगा कि शुगर फ्री से बनी हुई मिठाइयों में भी फैट भी होता है, तो वो मैं बिल्कुल डिस्करेज करूंगा। आप शुगर फ्री या जो भी जो आस्पार्टेम के पाउचेस हैं वो दिन में दो चार यूज कर सकते हैं, लेकिन वो भी जरूरत से ज्यादा नहीं। वो एट द एंड ऑफ इट सिंथेटिक प्रोडक्ट है, उससे भी फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, तो एक दो तीन चार चलेगा, उससे ज्यादा नहीं। बहुत ही आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि हमारी अमूमन पब्लिक को वो बड़ी चाहत होती है। थोड़ा सा पूरी पराठा आलू चावल, मैं बिल्कुल फ्लैटली बोलता हूँ कि क्या क्या चीजों से दूर रहना चाहिए, तो पूरी पराठा आलू चावल से दूर रहें। अगर आप मांसाहारी हैं, नॉनवेज की शौकीन है, तो थोड़ा सा चिकन मटन बीफ पोर्क इन सब चीजों से दूर रहेंगे तो बेहतर होगा। अगर आपको नॉनवेज लेना है तो एग व्हाइट ले सकते हैं। फिश जो कि आप अगर फ्राइड ना करें, नॉर्मली फिश की सब्जी बना के खा ले तो दैट इज फाइन। बट ओवरऑल सात्विक विचार और सात्विक खाना भोजन, ये दोनों चीजें आपके लिए लंबे समय तक काम आएंगी, एंड इस चीज को याद रखना बहुत जरूरी है। एंड डेफिनेटली लाइफ को स्ट्रेस फ्री एक आप रखेंगे तो आप लंबा जिएंगे, खुश रहेंगे। इसके साथ साथ डायबिटिक पेशेंट्स को वैक्सीनेशन लेना बहुत जरूरी है। मैं बताना चाहूंगा कि आपको हॉस्पिटल से दूर रहने के लिए वैक्सीन का जरूरत बहुत है। इन्फ्लुएंजा या स्वाइन फ्लू की वैक्सीन आपको हर साल लगानी चाहिए। न्यूमोकोकल वैक्सीन है वो आपको लगानी चाहिए। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और टाइफाइड, ये वैक्सीन काफी हेल्प करती हैं। अगर आपको मीजल्स, मम्स एंड रूबेला की वैक्सीन मिस हो गई है बचपने में, ऐसा पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो उसको भी लगवा लेना, आपके लिए अच्छा रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चिकन पॉक्स और वेरिसेला जोस्टर। अब इंडिया में वेरिसेला जोस्टर अवेलेबल नहीं है तो वो फॉरेन में ही मिलती है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम देख करके हमारे पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स थोड़ा सा प्रेरित होए, क्योंकि दो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैक्सीन जो हमारे यहाँ होनी चाहिए वो है जोस्टा वैक्स या हर्पिस जोस्टर की वैक्सीन, और एक डेंग वैक्स या डेंगू की वैक्सीन। ये बहुत जरूरी चीज है। इन कुछ ही डिस्कशन के साथ मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि मैं डॉक्टर आशीष चौहान, कंसल्टेंट फिजिशियन, किसी भी तरह के कंसल्टेशन के लिए आपके लिए अवेलेबल हूँ। आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर आप मुझे 8106127475 पे कभी भी आप मैसेज डाल करके कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफिशियल प्रिस्क्रिप्शन भी ऑनलाइन कंसल्टेशन में दिया जा सकता है। डॉक्टर से आप जितना ज्यादा कंसल्ट करेंगे उतना ज्यादा आप अस्पताल से दूर रहेंगे। रजनी, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे सारे के सारे पेशेंट्स आईसीयू और इमरजेंसी सिर्फ इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि वो डॉक्टर को दिखा करके पैसा खर्च नहीं करना चाहते। तो 500 से 5,000 रुपए बचाने के चक्कर में वो 5 लाख रुपए तो खर्च करते ही करते हैं। हम उसके अलावा आधे से ज्यादा लोगों को ऊपर वो 5 लाख का ट्रीटमेंट भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि 50% जो पेशेंट जिनको हार्ट अटैक आता है वही ये सुविधा ला पाते हैं, बाकी 50% बीच रास्ते में ही उनकी डेथ हो जाती है, मौत हो जाती है। तो अपने डॉक्टर को आप फैमिली फिजिशियन बना करके उनसे रेगुलर ताल्लुकात में रहें और अपनी डायबिटिक स्टेशंस को कंट्रोल में रखें, ये बहुत जरूरी चीज है। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आजकल स्पेशली मुझे लगता है भारत में ऐसा है जहां लोग थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में, वो बाद में उन्हें भले ही बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़े लेकिन कुछ पैसे बचाने के चक्कर में वो अपना अपना ध्यान नहीं रखते, अपना ख्याल नहीं रखते हैं और डॉक्टर के पास जाने से बचते हैं। जबकि अगर आप समय पर डॉक्टर के पास चले जाएंगे तो आपका आपके लिए डॉक्टर ऐसा समय ही नहीं आने देगा कि आपकी स्थिति और ज्यादा खराब हो। तो डॉक्टर आशीष, साथ ही इसके बाद मेरा एक और सवाल ये है कि पहले के समय में ऐसा होता था कि अगर किसी को डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी होती भी थी तो वो एक उम्र के बाद होती थी, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि आजकल हम सब एक 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 डिवाइस के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर हम डिपेंडेंट रहते हैं, तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा सेडेंट्री हो गई है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या अब भी ऐसा समय है जब डायबिटीज के लिए एक उम्र होना जरूरी है, या फिर डायबिटीज किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है? डायबिटीज किसी भी उम्र के किसी भी व्यक्ति को हो सकती है।
इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन और जेंडर। एंड आज मतलब मेरे पास सबसे छोटे पेशेंट अगर कोई होगा तो वो 3 साल की बच्ची है जिनको डायबिटीज है और उनको इंसुलिन चल रहे हैं। पहली बात मैं ये बताऊंगा, इंसुलिन से नहीं डरना चाहिए। लोग इंसुलिन के डर के कारण अमूमन 5 से 10 साल पहले मर जाते हैं क्योंकि वो डॉक्टर के पास लेट से आते हैं। तो कोई भी एज में किसी को भी हो सकता है, इसीलिए ऑनलाइन कंसल्टेशन आज ऊपर वाले की दया से एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अगर आप एक रूरल एरिया में भी हो तो आपको वो सुविधाएं उपलब्ध हो सकती हैं। बल्कि एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा रजनी, आई एम वेरी हैप्पी कि एस क्यूब मीडिया जो है, आप लोगों का मीडिया है, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल मीडिया है। हमारे ज्यादा पेशेंट्स को सबसे ज्यादा हानि अगर हुई है तो वो इररिस्पॉन्सिबल मीडिया के कारण हुई है, क्योंकि एक स्टैंप सा लगा देते हैं कि कमर्शियल डॉक्टर है, अननेसेसरी दवाइयां ज्यादा लिखता है या अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन ज्यादा कराता है, जबकि बात बिल्कुल उल्टी है। मैं आपके मीडिया के द्वारा बताना चाहूंगा कि जो इंडिया के डॉक्टर्स हैं वो आप गूगल में चेक करिए तो दे आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। अमेरिका में, पाश्चात्य देशों में भी अगर कोई प्रिफर करता है, ओबामा सरकार में जो उनके पर्सनल डॉक्टर्स में आधे से ज्यादा डॉक्टर इंडियंस थे, एक तो बेस्ट डॉक्टर्स जो हैं वो इंडिया के हैं और बेस्ट के साथ साथ इंडिया में वो चीपेस्ट हैं। एक अमूमन जो डॉक्टर है यहाँ पे वो 200-300 से लेकर के अगर 1000 रुपए की भी ट्रीटमेंट फीस लेता है तो वो वेस्टर्न वर्ल्ड में वही चीज $150 से लेके $500 होती है, जिसकी की इंडियन करेंसी में कीमत 35,000 से 50,000 रुपए होती है। तो जिस बंदे की फीस 35,000 रुपए है वो इंडिया में आपको 100 से 500 के बीच में देख रहा है। हम लोग की थोड़ी सी आदत वो बार्गेनिंग की बहुत हो गई है। आज सुबह ही मैं एक न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि 50,000 रुपए किलो की मिठाई आजकल बन रही है, लोग खरीद भी रहे हैं। देखिए लोग खरीदेंगे तभी मिठाई बनेगी, ऐसी तो लोग 50,000 रुपए किलो की मिठाई खरीदने में तैयार है, लेकिन डॉक्टर को 500 रुपए देने में भी वो थोड़ा सा संशय, थोड़ा नहीं काफी बार्गेनिंग करते हैं। उसी के कारण उनको जो ऐसा प्रॉब्लम आती है कि वो कॉम्प्लिकेशन तक पहुंचते हैं। डॉक्टर को आप अपना फ्रेंड बनाइए, उनको जो भी उनकी फीस है वो प्रॉपर फीस दे करके रेगुलर एडवाइस लीजिए। मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल बता दूं, क्योंकि एक बहुत आसान सा वर्ड आता है कि सर अननेसेसरी टेस्ट बहुत लिख रहे हैं। बहुत ही गलत बात है, कोई भी 99% डॉक्टर अननेसेसरी टेस्ट नहीं लिखता है। वो जरूर, अगर मैं कोई भी 55 साल के बंदे को 100 साल तक जिंदा रखने की कोशिश करूंगा तो 45 साल में, वर्ड्स बिल्कुल अच्छे समझिए, 55 साल के बंदे को मुझे 100 साल तक जिंदा रखना है तो मैं 45 साल में उसके 2 से 3 लाख रुपए के अननेसेसरी टेस्ट कराऊंगा। 45 साल में 2 से 3 लाख के अननेसेसरी टेस्ट का मतलब क्या है कि साल में 3 से 4 हजार रुपए के टेस्ट अननेसेसरी, 3 से 4 हजार रुपए के टेस्ट में अगर आपको जिंदगी 100 साल तक गारंटी हो जाती है तो उससे बुरी बात क्या है। लोग 500 से 5 हजार रुपए बचाने के चक्कर में, माफ कीजिएगा, 50,000 से 5 लाख खर्च करते हैं और डेड बॉडी लेकर के जाते हैं जिसका, और इसीलिए ऐसा ना हो उसी के लिए आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू डू सच काइंड ऑफ शोज एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट रजनी आपको कि आपका जो मीडिया है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हेल्थ न्यूज देता है, क्योंकि जो डॉक्टर है उसको 100 गुना ज्यादा कमाई के बाद भी वो इंडिया में अगर रह करके प्रैक्टिस कर रहा है तो वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसको अपने देश से प्यार है, अपने देश वासियों से प्यार है। तो रिस्पेक्ट योर डॉक्टर और अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट करिए। अगर आपको कोई डाउट है, आपको लग रहा है कि कमर्शियल डॉक्टर है, वो बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट है, लेकिन अगर आपको लग रहा है तो स्विच ओवर टू अनदर डॉक्टर, फिर उसकी बात मानिए। अभी होता क्या है, 3 डॉक्टर से मिलने के बाद वो बात उनकी मानते हैं कि अरे यार वो केमिस्ट ने बताया है कि ये डॉक्टर साहब तो दवाइयां ज्यादा लिख रहे हैं, दवाइयां कम करने के चक्कर में अपनी जिंदगी कम कर लेते हैं एंड दैट इज वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम। ऐसी अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल के समय में, क्योंकि आजकल जो है, जैसे आपने जो वर्ड यूज किया कमर्शियल डॉक्टर, अगर किसी को लग रहा है तो आपने बिल्कुल सही बात कही कि आप स्विच ओवर कीजिए, लेकिन जस्ट बिकॉज आपको एक इंसान ऐसा मिला है तो आप सब पर उंगली मत उठाइए, क्योंकि जो डॉक्टर है वो असल में भगवान का ही रूप होता है। और हम हमारे देश में कहते भी है, सिर्फ हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया
में कहते हैं जो डॉक्टर है वो भगवान का दूसरा रूप है। तो अगर जब तक आपको भगवान पर भरोसा नहीं होगा तो आप अपनी जिंदगी के बारे में कैसे सोच सकते हैं। तो एक एक्सपीरियंस की वजह से सब पर उंगली मत उठाइए और ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर, एक और सवाल इसी के साथ मेरा आपसे ये है कि कई लोग ऐसे भी हैं जिनको डायबिटीज हो जाता है, लेकिन वो क्योंकि एल्कोहल यानी शराब के शौकीन होते हैं तो उनसे वो छोड़ी नहीं जाती। तो क्या जो शराब है, एल्कोहल जो है, वो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल रहती है, या फिर डायबिटीज होने के बावजूद भी एक वो डायबिटीज पेशेंट शराब पी सकता है? 7S, मैं रिपीट करूंगा, मैं अपने व्यूअर्स को, दर्शकों को, 7S याद रखें और उसको लिखें। 7S से दूर रहना है, शुगर से दूर रहना है, सॉल्ट से दूर रहना है, नमक से, एक्स्ट्रा जो नमक ऐड करने की आदत है, स्पाइसेस से दूर रहना है, बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाने की आदत है, पकौड़ियों की आदत है, भाई बारिश हो रही है थोड़ी सी पकौड़ी बना के लेके आ जाओ, स्पिरिट्स से दूर रहना है, मतलब अल्कोहल, यस, क्योंकि यस उसका असर लिवर पे होता है, स्मोकिंग से दूर रहना है, एक सिगरेट जो है वो 11 मिनट की लाइफ ले लेती है, स्ट्रेस से दूर रहना है, दैट इज द 6S, एंड 7S इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब कि आरामदायक जिंदगी या जो भी आलसीपना, उससे दूर रहना है। तो इन 7S से दूर रहना बहुत जरूरी है। नाउ आई गिव द प्रैक्टिकल एडवाइस, अगर पेशेंट स्मोकिंग और अल्कोहल दोनों ही ले रहा है, दोनों ही एक साथ बंद कर रहे हैं, आइडियली बंद करना चाहिए, कर भी सकते हैं, लेकिन परेशानी क्या होगी कि डॉक्टर, वो पेशेंट वो दोनों चीज बंद करे ना करे, लेकिन उस डॉक्टर के पास आना जरूर बंद कर देगा जिसने बोल दिया कि दोनों बंद करो। तो इस हिसाब से स्मोकिंग और अल्कोहल में थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि स्मोकिंग इज मोर डेंजरस, पाश्चात्य सभ्यता के और एविडेंस के हिसाब से मॉडरेट अल्कोहल इज गुड फॉर द बॉडी, जो इंडियंस के ऊपर ही एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि अगर दोनों में चुनना है, अगर मैं कहूंगा कि भाई आपको एक चीज तो बिल्कुल बंद करनी चाहिए, मैं कहूंगा सबसे पहले स्मोकिंग बंद करिए एंड अल्कोहल को कम कर दीजिए, तो कम करके धीमे धीमे आप बंद कर सकते हैं। तो ये 7S से दूर रहिए और 7 जन्म तक आप फिट रहें, ये हमारी आपके लिए दुआ रहेगी एंड एफर्ट्स रहेगा, एंड फॉर एनीथिंग एल्स We are always there to help you out. डॉक्टर, एक आखिरी सवाल जाने से पहले, और वो ये है कि क्या जो डायबिटीज है वो पूरी तरह से ठीक हो सकता है? अगर एक व्यक्ति को, अगर डायबिटीज का वो मरीज है, तो क्या उसका डायबिटीज पूरी तरह से ठीक हो सकता है अगर वो हर दिन के मेडिकेशन पर हो उसके बावजूद भी? Yes, why not? ठीक हो सकता है का मतलब ये है कि एक बार अगर, क्या टैबलेट्स लेना बंद कर सकता है? कुछ केसेस में yes, कुछ केसेस में no. कितने दिन तक बंद हो सकता है वो भी हर इंडिविजुअल के हिसाब से अलग अलग होता है, बल्कि उसको भी हम लोग कहते हैं हनीमून डायबिटीज या हनीमून फेज भी होता है, शुरू में आपने ट्रीटमेंट दिया उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, 2-4 साल तक टैबलेट की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो जो आप क्वेश्चन मुझसे जानना चाह रहे हैं कि क्या टैबलेट बंद करें या ना करें या कब वो डिसाइड करें, वो पूरे का पूरा आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। कोई भी डॉक्टर आइडियली आपको अनावश्यक दवाई नहीं देता है, बल्कि अगर एक नॉन डायबिटिक पेशेंट को हम डायबिटिक टैबलेट देंगे तो उसकी शुगर डाउन हो जाएगी, वो डेंजरस हो जाएगा। आप अपने डॉक्टर से खुल के बात करिए, आप अपने डॉक्टर से उस समय मिलिए जब आपको उसकी जरूरत ना हो। मैं एक इंग्लिश स्टेटमेंट बोलता हूँ, उसको समझ लीजिए, गो टू अ डॉक्टर व्हेन यू डू नॉट नीड हिम एंड यू विल नेवर नीड हिम। तो 100 साल जिंदा रहने के लिए अपनी शुगर को 100 के आसपास रखिए, अपने डॉक्टर के पास 100 बार जाइए एंड ईसीजी जिंदगी में 100 कराइए, 100 ECGs, एंड बीपी को भी 100 के आसपास रखिए, 120-80, कोलेस्ट्रॉल को जो है आप उसको 100 से कम रखिए। ये 400-500 अगर आप याद रखेंगे तो आप ठीक रहेंगे। दवाई कितनी चलनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आपका डॉक्टर डिसाइड करेंगे, एंड आई थिंक यू शुड लेट हिम डिसाइड इट। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, फॉर हेवन से गूगल या व्हाट्सएप को, ज्ञान को देख करके खुद दवाई स्टार्ट करने की गलती या चलाने की गलती मत, बंद करने की गलती मत करिए। ऐसे बहुत एफर्ट्स में हम लोगों ने ना जाने कितनी लाशें देखी हुई हैं, एंड वी फील वेरी अनकंफर्टेबल कि दिस इज एन एब्सोल्युटली अ सुसाइड। सो अगर कोई दवाई बंद भी करता है, मेरे पास काफी पेशेंट आते हैं, सर देखिए मैंने 3 दिन तक दवाई नहीं खाई, अभी मेरा बीपी कंट्रोल है, तो उनको मैं बताता हूँ कि ये ऐसी इफेक्ट है जैसे कि कोई साइकिल चला रहा हो और एकदम से हाथ छोड़ दे, तो साइकिल चलाते हुए अगर वो हैंडल से हाथ हटा लेता है तो 50 मीटर तक या 10-20 मीटर तक तो वो बिना हैंडल पकड़े हुए आराम से चल सकता है, लेकिन उसके बाद एक्सीडेंट होना बिल्कुल पॉसिबल ही है और वही होता भी है।
ये चीज जानना जरूरी है। दवाइयों से खिलवाड़ अपनी जान से खिलवाड़ के बराबर है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आशीष एक बार फिर से हमारे शो पर आने के लिए, हमसे बात करने के लिए, और इतना महत्वपूर्ण ज्ञान हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे इस विषय पर आज चर्चा करके, बात करके। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट रजनी एंड होल एसक्यूब टीवी और उनके दर्शकों का। मेरे अस्पताल से आपको दूर रखने की मेरी कोशिश है, हर किसी अस्पताल से आपको दूर रखने की कोशिश है। मीठा बोलिए, अपना स्वभाव मीठा रखिए, लेकिन मीठे से दूर रहिए। साइनिंग आउट डॉक्टर आशीष चौहान, कंसल्टेंट फिजिशियन फ्रॉम सीएमसी वेलोर, करंटली प्रैक्टिसिंग एट अपोलो हॉस्पिटल सिकंदराबाद। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एट 810-612-7475। A very nice talking to you, Rajni. May God bless you all. Namaskar. बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए SQ TV Global को।